हेलो स्टूडेंट, ड्राइंग की आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कैंटिलीवर बीम के बारे में कि कैंटिलीवर बीम की ड्राइंग हमारी किस तरीके से बनाई जाती है। जो डिप्लोमा के सेकंड ईयर के छात्र हैं और डिप्लोमा के जो थर्ड ईयर के छात्र हैं उन दोनों के सिलेबस में ये कॉमन पॉइंट है। दोनों ही ईयर के छात्रों को ये टॉपिक पढ़ना है और ये टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट भी इसलिए है क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है ड्राइंग का। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, यानी कि इस क्वेश्चन इस तरीके से यहाँ पर हमारा जो लिस्टेड किया गया है इसी टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पहले कैंटिलीवर बीम में जो ड्राइंग में जो जनरल टर्म्स यूज होते हैं उनको पढ़ना जरूरी होगा। जब तक हम टर्म्स यूज इन कैंटिलीवर बीम ड्राइंग, जो हमारे कैंटिलीवर बीम के अंतर्गत जो ड्राइंग के टर्म्स यूज हो रहे हैं उन ड्राइंग के टर्म्स को अगर हम नहीं समझ पाएंगे तब तक हम ड्राइंग परफेक्ट तरीके से ना समझ सकते हैं और ना ही अच्छी तरीके से हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि इसके इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझेंगे। कैंटिलीवर बीम के इंपॉर्टेंट टर्म्स हमारे कौन कौन से होते हैं, इसके आप ये कह सकते हैं कैंटिलीवर बीम के अलग अलग भाग जो मैं क्वेश्चंस में दिए गए होंगे, जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन पढ़ के दिखाता हूं। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ड्रॉ द एल सेक्शन एंड टू क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम, वन नियर टू एंड एंड अदर नियर टू फिक्स एंड एज पर गिवन डाटा। इसका मतलब यह है कि आपको एक कैंटिलीवर बीम की ड्रॉइंग बनानी है और उसमें आपको एक एल सेक्शन बनाना है। ड्रॉ द एल सेक्शन एंड टू क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम, कौन सी बीम हमारी, कैंटिलीवर बीम। कैसे पता चलेगा कैंटिलीवर बीम है, क्योंकि क्वेश्चंस का डाटा पढ़कर हमें समझ में आएगा कि ये हमारी कौन सी बीम है। तो देखिए कैंटिलीवर बीम का हमारा क्वेश्चन है जिसमें हमें क्या बोला गया है कि कैंटिलीवर बीम बनानी है और जिसमें एल सेक्शन बनाना है और दो क्रॉस सेक्शन बनाने हैं। अब बात आती है यहां पर एल सेक्शन क्या है। तो देखें एल सेक्शन मतलब ये होगा कि कैंटिलीवर बीम के लेंथ के पैरेलल, यानी लेंथ के अलोंग जो हमारा सेक्शन होता है, जैसे इस मार्कर का अगर एल सेक्शन की बात करें तो यहां से बीच में इसे काट दें और आर पास से काटते हुए चले जाएं और काटने वाला हटाकर जो हम सेक्शन देखें लेंथ के समांतर, लेंथ के अलोंग, लेंथ के पैरेलल जो हम सेक्शन देखते हैं वो हमारा कौन सा सेक्शन होता है, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। जबकि हमारा क्रॉस सेक्शन लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन से 90 डिग्री पर, यानी कि ये वाला सेक्शन हमारा कौन सा होगा, इसका क्रॉस सेक्शन कहलाता है। तो इसने बोला है कि एक तो आपको लेंथ का इसका लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन और दो क्रॉस सेक्शन बनाने हैं। पहला क्रॉस सेक्शन कहां पर बनाना है, नियर टू फ्री एंड। अब हमें यही समझना है कि फ्री एंड कौन सा है। दूसरा नियर टू फिक्स एंड, ये समझना है कि फिक्स एंड क्या है। अब फिक्स एंड पर भी यहां पर बोल रहा है कि डेप्थ ऑफ बीम एट फ्री एंड। अब हमें इसी टर्म को समझना है कि डेप्थ फ्री एंड की कौन सी है, फिक्स एंड की डेप्थ कौन सी है, विड्थ फ्री एंड पर कितनी है, विड्थ फिक्स एंड पर कितनी है, इस टाइप के डाटा हमें समझने होंगे। दूसरा है हमारा विड्थ ऑफ बीम, अभी आगे डिस्कस करते हैं। आगे मेन स्टील, अब हमें यह भी समझना होगा कि कैंटिलीवर बीम में मेन स्टील कहां डाली जाएगी, अपर जोन में या लोअर जोन में। तो ये जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं यही टर्म्स मैं समझने के लिए बोल रहा हूं कि यही टर्म्स हमें पहले समझने होंगे तभी हम ड्राइंग, हमें ये तो पता हो पहले कि जो टर्म्स हैं उससे हम समझेंगे क्या, कौन सा पार्ट हमें कहां डिनोट करना है, कहां हमें रिप्रेजेंट करना है। आगे देखें एंकर बार कहां प्रोवाइड की जाएगी, अपर जोन में या लोअर जोन में, स्टीरअप्स क्या होंगे, बियरिंग एट फिक्स एंड, बियरिंग फिक्स एंड पर क्या होती है। तो इन सब टॉपिक को हम पहले समझते हैं। तो क्वेश्चंस करने से पहले हमें समझना होगा टर्म्स यूज इन कैंटिलीवर बीम ड्राइंग, यानी कैंटिलीवर बीम में जो हमारी ड्राइंग हम बनाने वाले हैं उसमें हमें कौन से टर्म यूज होंगे उसको हम पहले क्लियर कर लेते हैं। तो यहां पर मैंने कैंटिलीवर बीम का 3D डायग्राम बना रखा है। आपको पेपर में 3D नहीं बनाना है, ये नहीं बनाना है, आपको बनाना है एक लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन और एक क्रॉस सेक्शन, दो क्रॉस सेक्शन बनाने हैं। अब हमें लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन और दो क्रॉस सेक्शन समझने के लिए हमें समझना होगा बीम का पहले 3D डायग्राम, फिर हम इसका साइड व्यू, फ्रंट व्यू और जो टॉप व्यू आप पहले पढ़ते आए हैं फर्स्ट ईयर में उनको हम उसी तरीके से एडजस्ट करके हम इसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको हम पूरा कंप्लीट करेंगे। तो देखें समझते हैं। सबसे पहले पहला टॉपिक है आपको बीम में रेनफोर्समेंट के बारे में आपको बताया जाएगा, यानी बीम में जो आपको रेनफोर्समेंट जो बार आपको प्रोवाइड करनी हो कहां कहां करनी है। तो हमें बोला गया है मेन बार, यानी मेन रेनफोर्समेंट या मेन बार के बारे में अगर हम बात करें तो देखें हम जानते हैं कि कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमारी अच्छी होती है जबकि टेंशन स्ट्रेंथ हमारी कमजोर होती है। तो हम टेंशन स्ट्रेंथ जो कमजोर है कंक्रीट की उसी को ज्यादा बढ़ाने के लिए, उसी को एक्स्ट्रा हमें मजबूत कराने, मजबूती प्रदान करने के लिए टेंशन जोन में, ताकि कंक्रीट की हमारी जो वीकनेस है वो है टेंशन और टेंशन को ही स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं उसमें हम बार प्रोवाइड करते हैं। तो मेन बार यानी मेन सरिया हमारी कहां डाली आएगी, टेंशन जोन में। अब आपको यह पता करना पड़ेगा इसमें कि इसमें हमारा टेंशन जोन कौन सा है। तो देखें जरा ध्यान समझेंगे इसको, यानी हमने ये तो समझ गए कि यहां पर कौन सा होगा टेंशन जोन में प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहला पॉइंट हमारा ये हो गया टेंशन जोन में प्रोवाइड की जाएगी, टेंशन जोन
टेंशन जोन में प्रोवाइड की जाएगी क्या मेन रेनफोर्समेंट या मेन बार। आपको इतना समझ में आ गया कि जो मेन बार है, जब भी इस क्वेश्चन में मेन बार कहेगा तो हमारा दिमाग जहां पहुंच जाना चाहिए कि इसमें टेंशन जोन कहां पर है, चाहे वो सिंपली सपोर्टेड बीम हो चाहे वो हमारे कैंटिलीवर बीम हो। टेंशन जोन ढूंढना है कि टेंशन जोन कौन सा है, तो तनाव क्षेत्र ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, इस बीम की कुछ वर्किंग हम इस तरीके लोड के अकॉर्डिंग देखेंगे क्या इफेक्ट पड़ेगा। सपोज कीजिए एक कैंटिलीवर बीम का अगर मैं इस तरीके से यहां पर एक मैंने डायग्राम बनाया, ये कैंटिलीवर बीम है जिसका डायग्राम मैंने आपको यहां पर दिखा दिया। देखें इस तरीके से यहां पर हमारी बीम ये बनाई गई, यहां पर ये हमारी विड्थ है, ये हमारी सपोर्ट है और सपोर्ट पर हमारा ये ब्रिक का साइन मैं दिखा रहा हूं डबल लाइनिंग द्वारा। अब बीम हमारी इस तरीके से जैसे ही बीम पर लोड पड़ता है, जैसे ही बीम पर हमारा क्या होगा लोड आएगा ऊपर से, तो बीम हमारी कैसे बेंट होगी, बीम हमारी इस तरीके से बेंट हो जाएगी इस तरीके से। तो आप देखेंगे यहां पर जब बीम हमारी इस तरीके से बेंट होगी तो ऐसी सरफेस जो हमारी बढ़ गई है, जो हमारी जिस सरफेस में एक्स्ट्रा प्रसार हो गया, एक्सपेंशन हो गई, यानी उसकी लेंथ बढ़ गई है, तो जहां लेंथ बढ़ जाती है वही हमारा जोन कौन सा होता है, टेंशन जोन होता है। तो देखें जरा यहां पर जो हमारी लोअर सरफेस है वो कैसी हो गई, सिकुड़ रही है, यहां पर कम हो रही है, जबकि जो अपर सरफेस है, जो ऊपर वाली सरफेस, वो बेंट होने के बाद कैसे हो गई है, ज्यादा हो गई, यानी उसकी लेंथ हमारी बढ़ गई है। तो लेंथ जिस सरफेस की बढ़ी है इसका मतलब वही सरफेस कैसे है, टेंशन जोन में है। तो अगर हम बात करें इस बीम के, हम जानते हैं कि न्यूट्रल एक्सिस एक वर्ड होता है, यानी उदासीन सतह, जहां पर हमारा ना तो टेंशन होता है ना कंप्रेशन होता है। तो इसका जो हमारा ये न्यूट्रल एक्सिस है, इस न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर का जोन जो मैं यहां पर ये वाला प्रोवाइड ये डैश डैश कर रहा हूं, ये जोन यानी टॉप टॉप सरफेस हमारी किसमें, टेंशन जोन में है। कैसी है, टेंशन जोन में। टेंशन जोन में कैंटिलीवर बीम की कौन सी सरफेस होती है, टॉप सरफेस, जबकि बॉटम जो सरफेस है इस पर क्या आ रहा है, हमारा कंप्रेशन आ रहा है। तो ये हमारा कौन सा जोन हो गया, कंप्रेशन जोन। कंप्रेशन जोन क्यों कह रहे हैं, देखिए कोई भी चीज दबाने पर क्या हो जाती है, हमारी उसका जो साइज है, यानी जब उस किसी चीज पर हम कंप्रेशन फोर्स अप्लाइड करेंगे तो उसका साइज रिड्यूस हो जाएगा, यानी उस साइज कम हो जाएगा। तो यहां पर जो हमारी लोअर सरफेस है उसका साइज कैसा हो रहा है, कम, जबकि अगर किसी चीज को खींच दें हम तो उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो बढ़नी है तो हम कौन सा फोर्स लगाएंगे उसमें, टेंशन फोर्स। तो जाहिर सी बात है जब उसकी टॉप सरफेस की जो लेंथ है वो इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब उसे खींचा जा रहा है, कैसे भी खींच रहा है तो उस पर टेंशन फोर्स आ रहा है। तो वही जोन हमारा कौन सा हो गया, टेंशन जोन हो गया। तो टेंशन जोन हो गया ये, तो टेंशन जोन में हम कौन सा रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, मेन रेनफोर्समेंट यहां पर, यानी मेन बार, या आप कह सकते हैं कि मेन रेनफोर्समेंट हम कहां प्रोवाइड करते हैं, टेंशन जोन में। तो इतना आपको क्लियर हो गया कि यहां पर हम जो बार प्रोवाइड करेंगे, यानी कि जो टेंशन बार यहां पर हमारी जो मेन बार प्रोवाइड करी जाएगी इस बीम में, वो हमारी कौन सी होगी, टॉप सरफेस पर, यानी टॉप जोन में यहां पर हमारी बार प्रोवाइड की जाएगी। देखें जरा यहां पर ये जो मैंने रेड कलर की यहां पर आपको बार दिखाई है वो कौन सी बार है, ये मेन बार है। कौन सी, यहां पर हमारी ये जो बार आई है वो कौन सी बार हो गई, मेन बार। और मेन बार हमारी, ये हमारी मेन बार हो गई, और मेन बार हमारी कौन से जोन में प्रोवाइड की जाती है, टेंशन जोन में। अब बात करते हैं एंकर बार, अगर मेन बार हमारी टेंशन जोन में जा रही है तो एंकर बार हमारे कौन से जोन प्रोवाइड करते हैं, कंप्रेशन जोन में। तो यहां पर हम लिखेंगे कि जो हमारी मेन बार है, जो हमारी यहां पर एंकर बार है, वो कौन से जोन में डाली जाएगी, कंप्रेशन जोन में। अब कंप्रेशन जोन आप समझ गए होंगे कि कंप्रेशन जोन हमारा होता है लोअर जोन, तो यहां पर हमारी कौन सी बार प्रोवाइड करेंगे हम, एंकर बार। तो देखिए हमें इसी तरीके से सारे टाइम समझने हैं, अगर हम यही समझ गए, हम ये समझ गए कि बीम में कहाँ क्या प्रोवाइड करना है, तो आसानी से ड्राइंग हमारी बना सकते हैं, आपको ड्राइंग समझ में भी आएगी और आप अच्छी तरीके से परफेक्ट तरीके से आप ड्राइंग को अच्छा बना पाएंगे। तो ये हो गई हमारी मेन बार। अगर हम बात करें एंकर बार की, तो एंकर बार हमारी कहाँ हो जाएगी, इस तरीके से यहाँ पर हमारी जो ब्लू कलर में मैं बना रहा हूँ, ये हमारी कौन सी बार हो जाएगी, एंकर बार। तो देखें जरा यहाँ पर हमने इस तरीके से ये बार हमारी कौन सी हो गई, एंकर बार हमने यहां पर प्रोवाइड कर दी, क्योंकि एंकर बार कहां जा रही है, कंप्रेशन जोन में। चलो अब आगे देखते हैं, ये हमारी कैंटिलीवर बीम हो गई। अच्छा ये मैं स्टार्टिंग में ही एक चीज और क्लियर कर दूं, कैंटिलीवर बीम हमारी कौन सी होती है, जैसे डायग्राम से ही आपको पता चल रहा होगा कि एक एंड फ्री और दूसरा एंड हमारा फिक्स होता है, तो कैंटिलीवर बीम होती है, जबकि दोनों एंड पर सपोर्ट मिले तो सिंपली सपोर्टेड होती है। तो ये आपको डायग्राम देख के ही पता चल रहा है कैसे है। आगे आता है क्लियर स्पैन, तो क्लियर स्पैन कौन सा है, तो देखें दीवार हमारी ये है, ये हमारी कौन सी दीवार, जिसमें हमारी कैंटिलीवर बीम जो हमारी फंसी हुई है, यहां पर जो सपोर्ट मिल रहा है इसको, तो इस दीवार से जो आगे हिस्सा, यानी इस दीवार से जो आगे फ्री है, इसी को हम क्या कहते हैं, क्लियर स्पैन कहते हैं।
तो क्लियर स्पैन हमारा कौन सा हो गया, यानी दीवार की सरफेस से हमारे जितनी आगे बीम जा रही है, ये जो डिस्टेंस है दीवार की सरफेस से आउट एंड तक, यानी फ्री एंड तक की जो लास्ट कॉर्नर तक की डिस्टेंस है, उसे हम क्या कहते हैं, क्लियर स्पैन कहते हैं। जितना भी दिया हो गया होगा आपके दिमाग में क्या आएगा कि हमारा क्लियर स्पैन यहां से लेके यहां तक कितना दे रखा है, यानी टोटल ये जो बीम दीवार से बाहर कितनी निकली हुई है। तो जैसे अगर मैं इस मार्कर को यहां से पकड़ लूं तो यहां पर ये सपोर्ट हो गई मेरा हाथ, और यहां पर जो एक्स्ट्रा ये निकला हुआ हमारा क्लियर स्पैन हो गया। अब आता है फ्री एंड। फ्री एंड कौन सा है, देखें ऐसा एंड जिस पर कोई सपोर्ट नहीं है, तो इस पर कोई सपोर्ट नहीं है, तो ये वाला जो एंड है हमारा वो कौन सा एंड है, फ्री एंड है। अब देखें फ्री एंड पर हमें हमेशा दो बातों पर विचार करना है कि फ्री एंड पर चौड़ाई कितनी है बीम की और फ्री एंड पर गहराई कितनी है। तो यानी आप ये कह सकते हैं कि फ्री एंड पर आपको दो चीजें देखनी है, एक तो ब्रेथ ऑफ बीम, यही आपको क्वेश्चन में भी दिया गया होगा। अगर मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ अगर ऐसा फॉलो करते हैं तो आप ड्राइंग बहुत ही अच्छी आपकी ड्राइंग यहाँ से बन सकती है। हम दो बातों पर विचार करेंगे, डेप्थ ऑफ बीम और विड्थ ऑफ बीम पर। यानी कि हम बात कर रहे हैं फ्री एंड पर क्या होगा, फ्री एंड पर हम दो बातों पर विचार करेंगे, एक तो डेप्थ ऑफ बीम पर और एक विड्थ ऑफ बीम पर। तो डेप्थ क्या है देखें जरा, यहाँ पर हमारी जो ये जो चौड़ाई है बीम की, फ्री एंड अगर ये है तो बीम की चौड़ाई हमारी जो है वो बी होगी, यानी कि बीम की चौड़ाई जो भी दे रखी है हम ये समझेंगे तो चौड़ाई है वो यहाँ से लेके यहाँ तक की हमारी क्या है, बीम की फ्री एंड पर चौड़ाई है। जबकि डेप्थ ऑफ बीम हमारी कौन सी हो जाएगी, स्मॉल डी, यानी अगर बीम हमारी इस तरीके की है तो हमारी ये हो जाएगी स्मॉल डी, जो भी गहराई यहां पर दे रखी होगी। अब यहां पर समझने वाली क्या बात है इसमें कि कभी कभार बीम हमारी इस, हमारी बीम इस तरीके से हो सकती है, कैसी देखें, बीम हमारी इस तरीके से भी हो सकती है जो नेक्स्ट लेक्चर में बनाऊंगा ऐसी, यानी उसकी फ्री एंड पर जो डायमेंशन है वही डायमेंशन हमारी कहाँ होंगी, फिक्स एंड पर भी होंगी। तो वही चीज़ हम बात कर रहे हैं कि वो अलग टाइप की ड्राइंग बनेगी उसकी। अभी हम बात करेंगे जो टेपर्ड वाली ड्राइंग कैंटिलीवर बीम होती है इस तरीके से कि जिसका फ्री एंड पर क्रॉस सेक्शन अलग हो और फिक्स एंड पर क्रॉस सेक्शन अलग हो। अब देखें फ्री एंड पर हमने दो बातें सीखी कि विड्थ हमारी कौन सी होगी, जब भी आपको फ्री एंड की विड्थ की बात करेगा आप समझेंगे दिमाग में कि यहाँ की बात कर रहा है, जब डेप्थ की बात करेगा फ्री एंड पर तो यहाँ की बात कर रहा होगा। आगे देखें फिक्स एंड की अगर हम बात करें तो फिक्स एंड कौन सा हमारा, जो एंड हमारा ये हमारा एंड जो है वो कौन सा एंड हमारा, फिक्स एंड है बीम का, ये एंड हमारा फिक्स्ड एंड है बीम का। तो फिक्स एंड हमारा कौन सा होगा, जिस पर सपोर्ट मिली हुई है, तो ये हमारा फिक्स एंड हो गया। अब फिक्स एंड पर बीम की चौड़ाई, यानी कि यहां पर भी हम दो बातों पर विचार करेंगे, एक तो विड्थ ऑफ बीम, विड्थ ऑफ बीम पर, और दूसरी अगर हम बात करें डेप्थ ऑफ बीम पर, ये हमारी डेप्थ ऑफ बीम, डेप्थ ऑफ बीम। तो डेप्थ ऑफ बीम हमारी फ्री एंड पर कितनी हो जाएगी, देखो ये गहराई हमारी जो होगी वो होगी डेप्थ, यहाँ पर ज़्यादा होगी क्योंकि ये टेपर्ड होती बढ़ती हुई आ रही लगातार। दूसरा जो चौड़ाई होगी, चौड़ाई हमारी सेम ही होगी इस केस में ध्यान रखना, क्योंकि बीम ऐसा नहीं होता कि फिक्स एंड पर ज़्यादा चौड़ी और धीरे धीरे कम करते हुए, ऐसा नहीं होगा। हम गहराई को लगातार इंक्रीज कर सकते हैं लेकिन चौड़ाई वगैरह को जो होगी वो हमारी फिक्स ही रहेगी, जितनी बीम यहाँ चौड़ी होगी उतनी बीम यहाँ पर भी चौड़ी होगी, यानी कि चौड़ाई हमारी सेम ही रहेगी बीम की, लेकिन डेप्थ हमारी चेंज हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। आगे देखें बियरिंग एट फिक्स एंड। बियरिंग का मतलब क्या है कि सपोर्ट के अंदर ये हमारी जो डिस्टेंस है ये कितनी डिस्टेंस है, इसे हम कहते हैं बियरिंग एट सपोर्ट, इसे क्या कहते हैं, बियरिंग एट सपोर्ट। तो देखें यहाँ पर हमारी बियरिंग एट सपोर्ट जितनी भी दे रखी होगी वो हमें क्वेश्चन, जब बियरिंग एट सपोर्ट वर्ड आएगा तो हम क्या समझेंगे, हम समझेंगे कि दीवार के अंतर्गत हमारी बीम कितनी एक्स्ट्रा अंदर हमें ओवरलैप करानी है, यानी सपोर्ट पर कितना हमें बीम का चढ़ाव देना है, कितना हमें ओवरलैप कराना है, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, बियरिंग एट सपोर्ट। आगे विड्थ ऑफ बॉल, विड्थ ऑफ बॉल का मतलब है सपोर्ट की चौड़ाई, यानी विड्थ ऑफ बॉल या सपोर्ट विड्थ, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, हमारी बीम जितनी भी दे रखी होगी उसको हम यहाँ पर समझेंगे। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन जिसमें हमने बात की अलग अलग पार्ट्स के बारे में कि हमारा कौन से पार्ट्स हम क्या समझेंगे। बाकी आता है इसके अंदर स्टीरप्स, यानी कि जब बार को हम इस तरीके से डाल देते हैं तो बार को होल्ड करने के लिए, बीम के शेयर स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हम वर्टिकल छल्ले भी डालते हैं यहाँ पर, जो हमारे चौकोर छल्ले होते हैं उनको हम इस तरीके से यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, वो समझेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एज पर दिस। तो अगला लेक्चर हम पढ़ाते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन की, कि सॉल्यूशन हम इसकी मदद से हम समझेंगे कि सॉल्यूशन हमारा किस तरीके से प्रोवाइड किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इस लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।